ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाये नमः। इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु है और अपने शत्रुओं से लगातार लोग परेशान रहते हैं। टोने टोटकों से परेशान रहते हैं, तरह तरह के घातों से परेशान रहते हैं, चुटपुट लड़ाई झगड़े, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, जमीन जायदाद की प्रॉब्लम, कई प्रकार की समस्याएं ऐसी होती हैं कि लोग आपके ऊपर टोने टोटकों का प्रहार करते हैं, तरह तरह के अस्त्रों का प्रहार करते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि गोली मार दो भैया, निपट जाए। तो ऐसे में आपको एक मंत्र का प्रयोग आज हम बताने वाले हैं। इस मंत्र को आप हमारे चैनल पर श्रवण कर चुके होंगे, धार बांध मंत्र, अस्त्र बांध मंत्र के नाम से शायद आपको मिला होगा। यह हर प्रकार के बार को बांधने में सक्षम मंत्र है। किसी भी प्रकार का शत्रु आपके ऊपर घात करने के लिए तैयार हो, वह घात रुक जाता है, बंध जाता है। चाहे शत्रु की बुद्धि परिवर्तित हो जाए तो वह घात न कर पाए, या घात कर गया हो तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होता। कहा जाता है कि इस मंत्र को यदि आप सही तरीके से सिद्ध कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि गोली का रुख भी इस मंत्र के जरिए बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इसको कायदे से सिद्ध करना पड़ता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद जब भी आप इस मंत्र से अपने शरीर को बांधते हैं तो कोई भी घात हो, शत्रु अक्सर पीठ पीछे वार करते हैं, चाहे टोने टोटके का वार कर दें, मंत्र का प्रहार कर दें, रोग पास का प्रहार कर दें, कोई भी अस्त्र का आपके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। और जो देखने लायक अस्त्र होते हैं, तलवार, छुरी, चाकू, बर्छा, ऐसे अस्त्रों का भी कुछ बेवकूफ लोग प्रयोग करते हैं। तो इन सभी घातों से बचने के लिए यह मंत्र विशेष है। यदि कोई आमने सामने की लड़ाई आपसे लड़ने आ रहा है और आपने अपने शरीर को इस मंत्र से बांध रखा है तो सामने वाले की बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, वो आपके ऊपर घात करने का विचार छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए यह मंत्र विशेष माना जाता है। हमने बताया कि इस मंत्र को यदि कोई व्यक्ति कायदे से सिद्ध कर लेता है तो गोली की दिशा तक बदल जाती है। यदि धोखे से छूट गई हो तो उसको वह अपना दिशा बदल देती है, आपके ऊपर घात नहीं कर पाते। लेकिन मंत्र को कायदे से सिद्ध करने वाली बात आती है। तो चलिए आज इस मंत्र को हम सिद्ध करने का विधि विधान जानेंगे। छोटा सा विधि विधान है देखो भैया, और दीपावली से लेके एकादशी तक का जो दिन होता है ये तंत्र मंत्र टोने टोटके सिद्ध करने का ही दिन माना जाता है। इन दिनों में आप किसी भी प्रकार का तंत्र सिद्ध कर सकते हैं और उस मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नवरात्रों में आपको मुहूर्त मिलते हैं। हमारे यहाँ 3 से 4 नवरात्रें होती हैं, तो इन नवरात्रों में आप इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। चलिए पहले मंत्र सुनेंगे कि पहले विधि सुनेंगे। चलिए, यह धार बांध मंत्र है, अस्त्र बांध मंत्र है, घात बांध मंत्र भी इसे कई कई क्षेत्रों में कहा जाता है। तो आप मंत्र का तो आप समझ ही गए होंगे, मंत्र हम श्रवण कराएंगे। मंत्र पहले भी आप हमारे चैनल पे 108 बार श्रवण कर चुके हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार और आपको श्रवण कराएंगे। चलिए पहले इसकी विधि जान लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारी याददाश्त तो कमज़ोर है ही है, उसके बाद दिमाग भी विचलित होता है, क्योंकि आजकल आप लोग ना तो हमारे चैनल को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो जो हमारे वीडियो एडिटर हैं जिनको चूटी फूटी एडिटिंग आती है वो आजकल विचलित हो रहे हैं। उनका तो कहना है कि अब हम बहुत जल्दी ही एडिटिंग बंद कर देंगे। वो एडिटिंग बंद कर दिए तो स्वाभाविक है हमको तो एडिटिंग आती नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं, सीखने में बहुत समय लगेगा। तो समझ लीजिए कि चैनल पे वीडियो आना बंद ही हो जाएगा। तो निवेदन है, जिनको हमारे मंत्र अच्छे लगते हैं या जिनको हमारे मंत्रों से फ़ायदा होता है वो हमारे मंत्र को पूरा ज़रूर देखा करें और ये कमेंट किया करें, लाइक भी करें, कोशिश किया करें कि शेयर भी करें ताकि इनका रोजी रोजगार चल जाए और इस चैनल के जरिए भगवान की पूजा पाठ का भी खर्च निकलता है। तो आप विचार करिए कि क्या करना चाहिए। चलिए आप मंत्र का श्रवण करते हैं, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। ओम धार धार महाधार, तंत्र को वार, मंत्र को वार, अस्त्र को प्रहार,
बांध सातवार रात्रि प्रहर पहरे के गांव मंडल चारों धर्म पुत्र खत्री लोहार जेता घड़िया तेता सार ना बैर के तन भींगे चीर घात बांधे हनुमत वीर ना काटे तलवार ना लागे बरछा ना लागे तीर ना काटे छुरी ना मारे तंत्र को बार श्री रामचंद्र की आज्ञा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई माता अंजनी की दुहाई माता सीता की। एक बार और श्रवण करेंगे। वैसे तो आप श्रवण कर ही चुके हैं, याद हो गया होगा। जो लोग वास्तविकता मंत्र की शक्ति जानते हैं वो याद कर लेते हैं और मंत्र की सिद्धि में लग जाते हैं, और जिनको लगते हैं कि ऐसे ही ऐसा बकवास है वो लोग नहीं करते याद। तो भाई जो वास्तविक साधक हैं या जिनको मंत्रों पर विश्वास है वही मंत्र को याद किया करें, वही मंत्रों को श्रवण किया करें। और जिनको मंत्रों पर विश्वास नहीं होता उनके लिए बहुत सारे चैनल हैं, उन चैनलों पर जा सकते हैं, ठीक है। ओम धार धार महाधार तंत्र को बार मंत्र को बार अस्त्र को प्रहार बांध सात बार रात्रि प्रहर पहरे के गांव मंडल चारों धर्म पुत्र खत्री लोहार जेता घड़िया तेता सार ना बैर के तन भींगे चीर घात मांधे हनुमत वीर ना काटे तलवार ना लागे बरछा ना लागे तीर ना काटे छुरी ना मारे तंत्र को बार श्री रामचंद्र की आज्ञा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई माता अंजनी की दुहाई माता सीता की। ओम धार धार महाधार तंत्र को बार मंत्र को बार अस्त्र को प्रहार बांध सात बार रात्रि प्रहर पहरे गांव मंडल चारों धर्म पुत्र खत्री लोहार जेता घड़िया तेता सारना बैर के तन भींगे चीर घात बांधे हनुमत वीर ना काटे तलवार ना लागे बरछा ना लागे तीर ना काटे छुरी ना मारे तंत्र को बार श्री रामचंद्र की आज्ञा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई माता अंजनी की दुहाई माता सीता की। ओम श्री रामाय नमः ओम हनु हनु हनुमते नमः। इस तरह देखिए मंत्र है, इतने में तो आपको याद हो ही गया होगा, नहीं भी याद हुआ तो लिख लेंगे, वैसे भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, वहां मंत्र देख लीजिएगा, ठीक है। इस मंत्र को वैसे तो मंगलवार को सिद्ध करना चाहिए, शनिवार को सिद्ध करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में जो एक दीपावली के बाद एकादशी आती है, इन 11 दिनों में इस मंत्र का आप कभी भी सिद्ध कर सकते हैं, कभी भी सिद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो तंत्र मंत्रों के लिए विशेष माने जाते हैं। और जब सावर मंत्रों की रचना हुई थी वो इसी इन्हीं दिनों में हुई थी, इसलिए इन दिनों में ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे सावर मंत्र लिखे गए हैं, अलग अलग उनकी रचयिता है। कुछ सावर मंत्र ऐसे थे जो अक्सर आपको हमारे द्वारा मिलते हैं हमारे चैनल पे, उनमें से अधिकतर मंत्र जो हैं दीपावली की रात से लिखना शुरू हुआ था और एकादशी की रात तक उन मंत्रों को लिखा गया था, इसलिए इन मंत्रों को सिद्ध करने का विधान इन्हीं दिनों में माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रों में और ग्रहण काल में, इसके अलावा कुछ विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग हैं ऐसे समय में भी इन मंत्रों का सिद्धिकरण हो जाता है। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को बढ़िया सिंदूर चढ़वाइए, मंगलवार का दिन यदि आपको इन दिनों में मिल रहा है, शनिवार का दिन मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसी दिन भी हनुमान जी महाराज को बढ़िया चमेली के तेल में सिंदूर अर्पण करवाइए। चमेली का जो तेल और सिंदूर है वो मिट्टी के पात्र में घोल के अर्पण करवाइए तो अति उत्तम रहता है। इसके बाद हनुमान जी महाराज को बढ़िया प्रसाद लड्डू का लगवाइए, हो सके तो मीठी वाली पूड़ी, गुड़ डाल के जो पूड़ियाँ बनाई जाती हैं घी के साथ, ऐसी पुड़ियां बब्बा जी को जरूर अर्पण करवाइए, वस्त्र अर्पण करवाइए। इसके बाद कमलगटे की माला लीजिए, या कमलगटे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला चल जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार माने जाते हैं तो हनुमान जी महाराज के जाप में भी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग हो जाता है। चंदन की माला हनुमान जी महाराज को अति प्रिय है, तो इन तीन मालाओं में से आप कोई भी माला जप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मंत्र को एक चार मुख का दीपक जलाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। भगवान की पूजा मंदिर में कराइए, वहाँ जाप नहीं कर सकते तो घर में जाप करिए, और घर में भी यदि जाप करें तो हनुमान जी महाराज का चित्र सामने जरूर लगाइए, दीपक जलाइए, आसन पर बैठिए। आसन देखिए कम्बल का हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं पलाश के पत्तों का आसन भी चलेगा, शुभ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आसन पर बैठिए और इसके बाद भगवान से प्रणाम करिए, कोई भी महाराज का स्तुति मंत्र जाप करिए आता हो तो, नहीं तो साधारण ऐसी भगवान से प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद इस मंत्र का आप जापन शुरू करिए, 11 माला इस मंत्र की आप जाप कर डालिए। 11 माला जप करने में हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे का समय लग जाए, तो देखिए बीच में आप रुककर पानी वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आसन नहीं छोड़ना होता,
इस बात का आपको ध्यान होता है। और बीच में लघु संख्या वगैरह नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए व्रत रह के यह कार्य करें तो अच्छा रहता है। इसके बाद आपका जब जाप संपन्न हो जाए तो इसी मंत्र को दशांश हवन कर देंगे, और दशांश हवन करने के बाद जो भी भस्मी आपकी है हवन की, उसमें से एक चुटकी भस्मी उठाइए, हनुमान जी महाराज के किसी भी बीज मंत्र के जरिए उस भस्मी को फूंक मारिए और उसको एक ताबीज में भरिए, और एक भोजपत्र लीजिए, यही सेम मंत्र है जो कि आपने सुना। भोजपत्र पर छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखिए और उस भस्म को बढ़िया फोल्ड करिए, और ताबीज थोड़ा सा बड़ी लीजिएगा, उसके अंदर इसे मंत्र सहित भस्मी सहित बढ़िया डाल दीजिए और उसकी ढक्कन बढ़िया टाइट कर दीजिए कि उसके अंदर पानी यानी ना आए, लीकनेस ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं आप उसके अंदर चमाइए। उस ताबीज को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कहीं रख दीजिए और सुरक्षित रखिए, देखिए कोई और ना ले जाए, तो उसको रात भर क्योंकि वहीं रहना है, तो यदि कोई पुजारी है तो उनको बता दीजिए कि ये ताबीज हमारा है, भगवान के चरणों में रखना है इसको और कल हम इसको ले जाएंगे। हनुमान जी महाराज के चरणों में वो ताबीज रख दीजिए, लाल धागा या पीला धागा उसमें इस्तेमाल करिए, ताबीज कोशिश करिए कि कापर का ही हो तो अति उत्तम है। इसके बाद सुबह सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद लीजिए, पान लीजिए, लौंग लीजिए, इलायची लीजिए और जाके महाराज को पान अर्पण कराइए, प्रसाद अर्पण करवाइए, और इसके बाद उस ताबीज को आप लीजिए, वही हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए अपने गले में या हाथ में उस ताबीज को धारण करिए। देखिए ऐसा करने से शत्रु कितना प्रबल क्यों ना हो, कितना आपके पीछे घात करने के लिए परेशान हो, उसके सारे घात विफल हो जाते हैं, चाहे वह मंत्र तंत्रों का घात करता हो, चाहे वह टोने टोटके का घात करता हो, मरण मूठ जैसे तंत्रों का प्रयोग करता हो, कोई पास अस्त्र का प्रयोग करता हो या किसी से करवाता हो, तो सभी प्रकार के जो घात हैं वो विफल हो जाएंगे जब तक आपका ताबीज आपके गले में रहेगा। हमने बताया इस मंत्र में यदि कायदेशी सिद्धि मिल जाती है तो गोली का भी वार रोका जा सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। यह एक विशेष मंत्र है और इस मंत्र के बारे में आपने पहले भी कभी सुना होगा, और कई लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और इसका परिणाम इतना अच्छा निकलता है कि आप इसको का ताबीज यदि गले में पहने हैं और शत्रु के सामने से गुजर बस जाते हैं तो अपने आप आपको लगने लगता है कि शत्रु का चेहरा डाउन हो गया, क्योंकि उसका इस ताबीज का प्रभाव उसके हृदय पर पड़ने लगता है। जब भी वह आपके बारे में बुरा सोचता है तो उसके हृदय में इस ताबीज का असर होने लगता है और वह आपके बारे में बुरा सोचना बंद कर देता है। चलिए सभी को जय श्री राम। आपने आज धार बांध, हाथ बांध, अस्त्र बांध मंत्र के बारे में विधि जानी। इसके बारे में और भी कुछ जानना हो तो टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पर जाने के लिए आप टेलीग्राम खोलिएगा, ऊपर सर्च करिएगा संकटनाशक, और हमारे इसी चैनल का लोगो वहाँ आपको दिख जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि परफेक्ट चैनल है कि नहीं है, और सही चैनल पर जाके आप हमसे संपर्क करिएगा ओनर से। और ध्यान दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में या किसी और माध्यम से पैसे की मांग नहीं होती हमसे संपर्क करने के लिए या किसी भी पूजा विधि विधान के लिए, तो फ्रॉड के शिकार बिल्कुल ना हो, क्योंकि कई लोग टेलीग्राम के चक्कर में हमारे बहुत लोग फ्रॉड के शिकार हो गए हैं, तो कभी भी उनको अपना वास्तविक नंबर ना दें जब तक आप हमारी आवाज़ ना सुन लें, क्योंकि आप हमारी आवाज़ अच्छे से पहचानते हैं। जब तक आपको लगे ना कि मेरी आपसे बात हुई है तब तक किसी भी प्रकार का लेन देन दान दक्षिणा संबंधित ऐसा कोई भी प्रावधान ना करें, क्योंकि फ्रॉडी बहुत हो गए हैं कलयुग में, भगवान को लोग नहीं बख्शते, हम तो इंसान हैं। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।